की हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने वैलेंटाइन डे के मौके पर और ख़ासतौर से अपनी शादी की 12वीं सालगिरह के मौके पर मुझे यहाँ बुलाने की पब्लिक की हिम्मत की है, क्योंकि एक अमूमन किसी और किसी थर्ड पर्सन से विवाह के बारे में या प्यार मोहब्बत के बारे में पूछना आसान काम है, लेकिन द वेरी सेकेंड पर्सन इन योर लाइफ उससे पूछना और आंतरिक बातें पूछना, व्यक्तिगत बातें पूछना, संवेदनशील बातें पूछना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चुनौती इन्होंने अपने आप ऊपर ली है उस पर ये पूरी पूरी खरी उतरेंगी। ऐसी कोई खास अहमियत नहीं मेरे लिए, क्योंकि हम लोग उस कल्चर से बड़े नहीं हुए जहाँ पर वैलेंटाइंस डे पे डिपेंड करना पड़ता था कि मोहब्बत है या नहीं है। बहुत लेट मालूम पड़ा स्कूल में जाके कि वैलेंटाइंस डे नाम की कोई चीज़ होती है। ये चांस की बात है कि हमारी जो इंगेजमेंट हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को हमारी शादी हुई थी 2002 में। उसके अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए खास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। हम लोगों ने शुरू से ही कभी वो गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया ही नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता नहीं, कभी ऐसा कुछ कल्चर जैसे ही कह रहे हैं, हमने उस चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रखा कि किसने क्या गिफ्ट दिया। या हाँ, ज़रूर मैं रोज़ेस देना बहुत पसंद करती थी, तो मैं रोज़ेस देती थी, कभी कभी कार्ड्स भी देती थी, पर ऐसे कोई गिफ्ट्स के वैलेंटाइंस डे है तो गिफ्ट लेके चले गए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हम एक बार जब फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आई थी इनसे मिलने, तो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में गए थे, तब इन्होंने गाया था बड़े अच्छे लगते हैं कि नदिया ये गेटवे ऑफ इंडिया और तुम। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, लोगों को हमेशा ये रहता है कि आपके हस्बैंड अगर सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो नॉन स्टॉप वो कुछ ऐसा करते रहेंगे कि अभी मैं हाउसवाइफ हूं। गणेश हेगड़े की शादी को तो क्यों गणेश डांस करते रहेंगे वो हमेशा? हां, अमिताभ बच्चन जी की शादी में वो डायलॉग बोलते रहे, कितने आदमी, मतलब ऐसे बोलते, ये क्या बात हुई? सिंगर को बोलते हो गाना गाते रहो, मतलब मिल्खा सिंह की शादी में भागते रहते हो घर पे अपनी बीवी को इंप्रेस करने के लिए, बस मैं भाग रहा हूँ, मेरी बीवी इंप्रेस रहो मुझसे, ये थॉट ही रहोगे कि मतलब गाओ, अब गाओ, दुख में गाओ, सुख में गाओ, रोने में गाओ, हंसने गाओ।